प्यारे साथियों, अब मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताने वाली हूँ। गूगल डॉक्यूमेंट में अलग-अलग भाषाओं में हम कैसे लिख सकते हैं। अलग-अलग भाषाओं में कैसे आसानी से टाइपिंग करें। चलो, इसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, अभी भाषाओं ठीक नहीं आया ना, तो हम सिलेक्ट करके करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले फाइल पे जाएंगे, और फाइल में आप देखिए लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी भाषाएं मिलेंगी। ये सभी भाषाओं में हम गूगल डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कर सकते हैं, है ना मजेदार बात। देखो, ये गुजराती मैंने ऐड कर दी, कहाँ गई है आपको ये नजर आ रहा है। यहाँ पर अ लिखा हुआ, इसके आगे एक ड्रॉप डाउन है, इसे क्लिक करो तो यहाँ पर जो भाषाएं मैंने सिलेक्ट की हैं वो विजिबल हैं, वो दिख रही हैं। अ हिंदी, संस्कृतम, गुजराती, देन ऐसे और भी। ठीक है, अब और देखते हैं और कौन सी भाषाएं हम ऐड करते हैं। फिर से बताती हूँ, फाइल पे जाओ, उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज में पंजाबी भी है, देखो पंजाबी। अब देखो क्या होगा, अ पे गए यहाँ पर, तो देखिए पंजाबी भाषा भी ऐड हो गई। ठीक है, अब मुझे मान लो हिंदी में टाइपिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगी। सबसे पहले अ भाषा, अ जो यहाँ पे अक्षर लिखा है उसको क्लिक करना है, और यहाँ से भाषा को सिलेक्ट करना है जिस पर मुझे टाइप करना है। मैंने हिंदी सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं नॉर्मल लिखूंगी, जैसे मैंने लिखा और बताओ क्या हाल चाल है ना। आसान, कितना आसान है। अब मुझे हिंदी की टाइपिंग भी पता चल गई कैसे करनी है, और ये भी पता चल गया कि अलग-अलग भाषाओं में भी मैं टाइप कर सकती हूँ। पंजाबी ट्राई करें। और बताओ क्या हाल चाल। देखो भाई, अब ये तो उनको ही पता चलेगा जिसको पंजाबी आती है। मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, बाकी अगर आपको आती है पंजाबी आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये आपको सजेशंस देता है, जैसे मैंने भाषाओं लिखा था और ऊपर बिंदी ठीक नहीं आई थी, तो मैं राइट क्लिक कर कर उसको ठीक कर लिया। तो आपने देखा कि कितना आसान है गूगल डॉक्यूमेंट में अलग-अलग भाषाओं में टाइपिंग करना।